भैया आज का जमाना है बहुत ही बेदर्द। बताइए, कभी नाक भौं सिकोड़ने वाले लड़कों की आज शादियां तक नहीं हो पा रही। कभी भारी भरकम दहेज लेने वाले आज खुद ही दहेज देने को मजबूर हो गए हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हमारी आज की झक एक ऐसे ही सज्जन की है। हाँ तो चलिए यूपी के फर्रुखाबाद। तो इन सज्जन को बड़ी जोर की लगी थी, मतलब बस शादी हुई जाए चाहे जैसी वाली हालत थी, फिर चाहे काली मिले चाहे गोरी, लंबी मिले या नाटी, पतली मिले या मोटी। क्या सोच है रे तेरी। इतिहास गवाह है कि इन्होंने अपनी के रूप में बस एक अदद लड़की मांगी। ठीक भी है, काहे से कुछ दिन और न होती तो इनके अंदर जो कुछ थोड़ा बचा भी था उसकी भी बिना ऑक्सीजन वाली मौत पक्की थी। अच्छा, खैर भैया भरे तो बैठे ही थे। एक दिन एक मैडम प्रकट हुई, बोली तुम्हारी शादी तो हम कराएंगे, बस 1.5 लाख रुपए पड़ेंगे। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब भैया के पास कोनो विकल्प भी नहीं था। आनन फानन एक दुई खेत बेचे और इन मैडम को सौंप दिए। इनका काम भी एकदम पक्का वाला था। देखा सुनी हुई लड़की देख के बेचारे भैया जी बेसबरे हुए जा रहे थे। बस चलता तो वही चालू हुई जाते, किसी तरह कंट्रोल किए। अगले ही हफ्ते शादी भी हुई गई। छूटते ही दूल्हे राजा पहुँचे बिस्तर पर। दुल्हन पहले से रेडी बैठी थी। वो तो भैया जी से भी 2 कदम आगे निकल गई, मतलब जैसे ही पास आए फौरन अपने हाथों से ताजा ताजा दूध पिला दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब भौजी के हाथों में ना मालूम का जादू था कि दूध पीते ही भैया जी पड़ गए ठंडे। फिर भौजी पूरे इत्मीनान से हजारों रुपए नगद, लाखों के जेवर और भैया जी का मोबाइल लेके हो गई रफू चक्कर। पैसा ही पैसा हो गया। भैया जी जब सुबह जागे तब इनको एहसास हुआ कि मिला जिला तो कुछ नहीं बल्कि जो था वो भी लूट गया। अब भैया दीदी, आपको आज की झक पसंद आई हो तो फौरन वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी दबा के आप सुन रहे थे झक की लाल, जो बातों बातों में कर देते हैं लाल। चलते हैं।